दोस्तों, अपने पास ये आज का जो है टीवी है, वीडियो कॉन कंपनी की। एक बार मैं आपको दिखा दूं, मैंने इसको खोल के रखा हुआ है। देखिए, वीडियो कॉन कंपनी की है। मॉडल नंबर मैं आपको इसका दिखाता हूं। उससे पहले आपको पैनल का नंबर आप देख लीजिए। पैनल का नंबर अपना ये रहा, ठीक है। और प्रॉब्लम दोस्तों इसमें एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, और टीवी का मॉडल नंबर भी मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इसको खोल के रखा है, तो ये देखिए, इसका मॉडल नंबर है ये, ठीक है। तो 24 इंच की टीवी है ये। तो चलिए, प्रॉब्लम की तरफ आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं एक तरफ कैमरे को रख लेता हूँ, ओके। अब पावर लगाता है इसमें, ठीक है। पावर लगा के ऑन कर लिया गया है, और प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। देखिए, नो सिग्नल तो आ रहा है, बट देखिए नो सिग्नल भी किस तरीके से है, ये देख रहे हैं। पिक्चर जो है बिल्कुल धुंधला धुंधला, उसके ऊपर एक पट्टी और बनी आ रही है। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके से इसका कलर भी आता है। नो सिग्नल लिखा हुआ किस तरीके से आ रहा है। और D2H को हमने फिर से ऑन किया, कलर भी इसका सही नहीं है, ये देख रहे हैं आप सब। हालांकि पिक्चर बज रहा है, तो एक दूसरा चैनल हम चेंज करके देखते हैं। ऊपर दोस्तों छत पे काम चल रहा है, इसलिए जो एक थोड़ा सा सिग्नल वीक का जो है कि समस्या आ रहा है। कोई देखते हैं फर्जी चैनल, मतलब जो कम फ्रिक्वेंसी पे हो। देखिए ये वाला पिक्चर जो है दोस्तों, जो है कि ऐसा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ इसकी ये प्रॉब्लम है, ठीक है। ये इधर देख रहे हैं आप सब, ये सब किस तरीके से सभी कलर में आ रहे हैं। इसको मैंने दोस्तों सॉल्व कर लिया है, इस समस्या को। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, इस पे सही चल रहा है। देखिए कहाँ कहाँ से दोस्तों मैंने क्या क्या कट किया है इसमें, जो है कि ये समस्या तब जाके सही हुई है। ये देखिए किस तरीके से कलर बन रहा है इस पे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या क्या कट किया इस पे, तो जाके ये सही हुआ। पावर ऑफ कर दिया है इसका, और मैंने काफी जो है कि इस पर मेहनत किया। तो इधर देखिए, इधर के ये यहाँ पे जैसे लिखा हुआ था CKV B1, इसको अगर कट किया तो प्रॉब्लम अपनी सेम वैसी ही थी। इधर के भी हमने ट्रैक को पहले कट किया था, इधर के तो काफी सारे ट्रैक को कट कर दिया था। 1 मिनट, स्टैंड दिक्कत कर रहा है, तो मोबाइल को हाथ में ले लेता हूँ। दोस्तों जैसा कि ये देखिए, ये वाला ट्रैक कैमरा ब्लर कर रहा है। इधर देखिए, इस वाले ट्रैक को हमने कट करके जोड़ दिया, क्योंकि यहाँ से अपनी समस्या नहीं थी, ठीक है। इसको हमने कट किया था, पिक्चर नहीं बन रही थी, ठीक है। इसके बाद हमने इधर के भी ट्रैक को कट किया है, और आपको दिखाने के लिए जैसे था वैसे जोड़ भी दिया है। ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये जोड़ा गया है। तो यहाँ पर मैं जो कट करने से सही हो रहा है, मैं उसको एक बार हटा लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि ये प्रॉब्लम किस वाले ट्रैक से हटाने से सही हो रहा है, ताकि आपको भी एक अंदाज मिल जाए। दोस्तों यहाँ पर मैं इस ट्रैक को हटा लेता हूँ, जिस ट्रैक को मैंने कट किया है, आपको उसका नाम भी बताता हूँ। सबसे पहले आपको हटा के दिखाता हूँ पिक्चर किस तरीके से आ रही है। काफ़ी बारीकी से दोस्तों इस पर काम करना पड़ता है। एक हट गया, दो इसमें से हटाना पड़ा दोस्तों। एक हटाने से बस उसका सही हो रहा है डबल इमेज, बाकी कलर सही नहीं हो रहा है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से हटा दिया है, और एक बार आपको देखिए कौन सा ट्रैक मैंने हटाया है, एक बार इसको भी दिखाते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पर CKV B1, और ये CKV V2, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है CKV B1 और B2, ये दोनों ट्रैक मैंने हटा दिया है, ठीक है। तो चलिए अब एक बार चेक करते हैं आगे क्या कहता है ये, ठीक है। थोड़ा सा कैमरा जूम इन कर लेते हैं, जूम आउट, ठीक है। पावर ऑन करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। हमने वैसे चेक किया था, इतना करने पर सही हो गया था पैनल अपना। ये देखिए,
AB1 भी सही लिखा रहा है, बाकी अब सब सही है दोस्तों, कलर वगैरह सब सही है। अब ये देखना है कि ये टीवी कितने दिनों तक चल जाती है फिलहाल। ठीक है, एक बार मैं मेनू का बटन भी दबा दूं ताकि आपको क्लियरिटी समझ में आ जाए। देख लीजिए बिल्कुल बराबर है अभी। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। मेरे हिसाब से आपको अब इस पैनल का जो है कि अगर कभी ट्रैक कट करना होगा तो आपको अंजाद मिल चुका होगा। ठीक है, तो ये देखिए बिल्कुल सही है अपना। क्वालिटी भी सही चल रही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसको हम पैक कर लेते हैं अब कस्टमर को देने के लिए। चैनल सिग्नल वीक पड़ रहा है इसके लिए। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और ठीक है, वीडियो में कोई कमी हो तो आप मुझे शेयर जरूर करिए। ठीक है, बताइए उसको जरूर दोस्तों। ठीक है, इसको हम पैक कर लेते हैं दोस्तों। नए मिलेंगे नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।